देखो वायरल होने के लिए दुनिया एक हद तक गिर सकती है, गिर क्या बहुत लेट भी सकती है यार। न्यूज में आपने देखा ही होगा नंग नरिश्मा भूत हुआ है ये इंसान, वायरल था यार, इसको जरूरत क्या थी। फाइनली मैं एक और टॉक शो लेकर आया हूँ, वो भी इस इंसान के ऊपर, क्योंकि भाई इस इंसान के ऊपर जो इसकी छपरी मूवी है उसको डिस्कशन करना बहुत ही जरूरी था। मेरे साथ जुड़ेगी बहुत रिव्यू यानी बहुत सारे ज्ञान के साथ हमारे श्रेय भाई, और सेकंड हमारे साथ जुड़ेगी हमारी बहुत प्यारी सी फिल्मी इंडियंस की, आप उसको जानते भी होंगे, दीक्षा शर्मा, और थर्ड BNF TV से, भाई बहुत अच्छी एडिटिंग करते हो भाई, बहुत मजेदार। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सबसे पहले सब्सक्राइब करो, और हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, बहुत मजेदार बात होगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं हमारी दीक्षा मैडम यानी लेडीज फर्स्ट यार, पहले प्रायोरिटी लेडीज को देंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं दीक्षा मैडम आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि आपने जब ट्रेलर देखा तो सबसे पहले आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मुझे ऑनेस्टली आ रही है मिक्स टाइप की वाइब्स, 50-50 मान सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये मूवी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है बॉलीवुड के लिए? आपने कहा कि ये मूवी बॉलीवुड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज फ्यूचरली साल की आखिरी मूवी ये है बॉलीवुड की, क्या ऐसा रिस्पॉन्स क्यों आपने दिया? लेकिन बॉलीवुड के लिए इस साल की अगर कोई आखिरी उम्मीद बची है ना तो वो यही पिक्चर होगी सर्कस। श्रेय भाई मैंने सुना आपको दीपिका पादुकोण बड़ी पसंद आई है। गाइस मुझे पसंद है लास्ट में ट्रेलर के अंदर जब दीपिका की एंट्री होती है यार, वो सीन भाई साहब। यार एक क्वेश्चन तो मैं सभी से पूछना चाहूंगा कि सारे धीरे धीरे बताना कि यार ये ट्रेलर देखने के बाद आपको सच में मजा आया या नहीं आया? लेकिन अगर कोई फिल्म ज्यादा इधर उधर भागती है ना तो दिमाग में दर्द जरूर हो सकता है, जरूरत से ज्यादा एक्टर्स को लेना भी डिसएडवांटेज बन सकता है। भाई मजा नहीं आया कॉमेडी का। ट्रेलर के अंदर गाइज मुझे इतनी खास कॉमेडी नजर नहीं आई। भाई ट्रेलर देखने के बाद क्या आपको सच में हंसी आई? बिल्कुल भी नहीं। श्रेय भाई आप इसकी स्टोरी लाइन को लेके क्या बोलना चाहोगे? कि रणवीर सिंह के यहाँ पे दो कैरेक्टर्स होने वाले हैं, दोनों ही घूम रहे होते हैं लेकिन फुल कंफ्यूजन के साथ, कोई किसको मिल जाता है कोई किसको मिल जाता है। दीक्षा मैडम ये क्वेश्चन आपके लिए कि आपको सबसे अच्छी बात इस मूवी के ट्रेलर में क्या लगी? हाँ जी उसमें गोलमाल का रेफरेंस जो देखने को मिल गया। बाकी मूवी के अंदर कोई नॉट सो यूनिक वाली भी कोई चीज थी यार? इस कॉमेडी मूवी के अंदर एक यूनिक कंसेप्ट डाल दिया कि इंसान के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उसके पीछे रीजन क्या दिया जाता है। दीक्षा मैडम आप कॉमेडी के नाम पे इस ट्रेलर में क्या बोलना चाहोगे यार? क्योंकि कॉमेडी के नाम पे मेरे हिसाब से तो कॉमेडी तो एक पंच नहीं दिखा मुझे। दिल पे हाथ रख के बोलूं कॉमेडी से मुझे ज्यादा फनी वाली वाइब्स आ नहीं रही हैं ट्रेलर को देखकर। ओवरऑल लुकिंग आपको कैसी लगी मूवी की यार, मैं ये जानना चाहूंगा। ओवरऑल जो पूरा लुक और फील दिया गया है ना मूवी को वो काफी ज्यादा ब्राइट और सैचुरेटेड है, कलर्स एकदम पॉप होके दिखते हैं, और उसी के बीच में कुछ VFX शॉट्स भी इन्होंने घुसा के निकालने की कोशिश करी है। बाकी दीक्षा मैडम आप ओवरऑल लास्ट में क्या बोलना चाहोगे जो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है? लेकिन सर्कस का ट्रेलर मेरे हिसाब से कुछ ऐसा यूनिक या फिर लार्जर देन लाइफ टाइप का नहीं है जो लोगों को एक्साइट कर जाए। मूवी की जो लेंथ हाइट एक्साइटमेंट और जो भी इसके अंदर की वाइब्स है वो सिर्फ मूवी देखने के बाद ही पता लगेगी, या पब्लिक या जनता अपनी जनता बताएगी, क्या पता लगेगा यार, खुद मूवी देखनी पड़ेगी। साल की आखिरी मूवी है गाइस, एक्साइटमेंट तो रहेगी ही रहेगी और एक्सपेक्टेशन भी रहेगी कि ये क्या कुछ लेके आती है रिजल्ट, और देखते हैं कितना बजट ये रिकवर करती है क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगा रहा है बाबा, देखते हैं क्या कुछ होता है। थैंक यू सो मच आप दोस्तों ने मेरे को थोड़ा सा टाइम दिया और मेरे साथ जुड़े मेरे टॉक शो में। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और थैंक यू सो मच।